अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। दोस्तों सऊदी अरब एयरपोर्ट पर जो है हाउसियों के मज़ाइल हमले से जो है कितने अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, तो मैं आज जो है आपको पूरी तफसीलात के साथ जो है बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये कहां पर हमला किया गया है, कहां पर ये मज़ाइल मारा गया है, तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने नीचे कमेंट्स करके ये लाजमी बताना है कि ये कौन सा मुल्क है जो ये यमन के हाउसियों को जो है इतने मज़ाइल और ये दे रहा है, आखिर किसके हाथ है इस साजिश के पीछे। तो जी हाँ दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लुकर मालिक ने कहा है कि यमन के हौसी बागियों की जानब से इबहा के बैन अक्वामी हवाई अड्डे को मज़ाइल से निशाना बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, इबहा के जो एयरपोर्ट है उसको ही निशाना बनाया गया है, जिसमें मेरे भाइयों तीन जो थी खवातीन समेत जो है 26 अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं। एजेंसी से बरगर मालिक की जानब से जारी बयान के हवाले से कहा है कि मज़ाइल हमले से हवाई अड्डे के डिपारा लॉन्च का एक हिस्सा मुतासर हुआ। इन्होंने बताया कि ज़ख्मी होने वाले ख़वातीन में इंडियन, यमनी और सऊदी शहरी शामिल हैं। ज़ख्मियों में से 8 को हस्पताल दाखिल किया गया है, जबकि दीगर को तिबी इमदाद के बाद फारग कर दिया गया है। इन्हें बताया कि दाग जाने वाले मज़ाइल के बारे में हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अक्सरी इदारे मज़ाइल के मुआयने के बाद तफसीलात से आगाह करेंगे। हम हाउसी बागियों की मीडिया ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि इबहा एयरपोर्ट पर करोज मज़ाइल से हमला किया गया जो ऐन निशाने पर लगा। जी हां दोस्तों, यहां पर उन्होंने इसकी जो है खुद ही उन्होंने मीडिया पर जो है इसकी ज़िम्मेदारी जो है कबूल कर ली, और हम उन्होंने कहा है कि इबहा एयरपोर्ट पर जो है हमने ही हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये यमनी हाउसी जो बागी हैं इनको जो है ये इतने जो मज़ाइल कहाँ से मिल रहे हैं, कौन सा मुल्क इनको सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों आपके सामने सबको पता है, कोई बच्चे नहीं हैं दोस्तों, हर किसी को पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है, और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सऊदी अरेबिया की हिफाजत फरमाए। तो जी हाँ मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।